हेलो दोस्तों। एक लंबी हाइप और एक लंबे वेट के बाद आप सभी ने वन प्लस नॉर्ड जो है वो देखा होगा कि कल शाम को ही लॉन्च हुआ। एंड अभी बुकिंग करने पे आपको मिलेगा ये अगस्त मंथ और सितंबर मंथ में। बेसिक वेरिएंट जो है इनका 6 GB 64 GB वाला, वो आपको पड़ता है अराउंड 25,000 का। उसके अबव वाला 28,000 का, 8 GB 128 GB वाला, एंड उसके अबव वाला 30,000 का। मैं प्रे कर रहा था कि प्राइस जो है वो कैसे भी करके 25,000 to 30,000 के बीच में रहे, उसके ऊपर ना जाए, क्योंकि उसके ऊपर आपके पास इससे बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे ये फोन रिलीज हुआ। अगर आपको वन प्लस फोन पसंद है तो आप ये फोन ले सकते हैं। इनफैक्ट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक टेक गीक नहीं है, टेक से भी पर्सन नहीं है, और डे टू डे लाइफ के हिसाब से एक फोन लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा फोन है। लेकिन ये बेस्ट फोन है मेरे लिए नहीं है, किसी भी टेक सेवी पर्सन के लिए ये मेरे हिसाब से बेस्ट फोन नहीं है। 25,000 to 30,000 की रेंज में जो बेस्ट फोन है वो आप वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा किस लिए वो बेस्ट फोन है। स्टिल ये फोन बहुत अच्छा फोन है, कुछ लोगों के लिए रिकमेंडेड है एंड कुछ लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। जैसे मैं इस फोन को नहीं लेना चाहूंगा। क्यों नहीं लेना चाहूंगा और किन्हें लेना चाहिए ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब का बटन ये पहले दबाइए। वन प्लस नॉर्ड कल रिलीज हुआ, बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। एक 90 Hz का डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। क्विक चार्जिंग का सपोर्ट जो है, 30 W चार्जर के साथ वन प्लस के डिवाइस आते हैं। एंड मैं वन प्लस के फोन यूज कर रहा हूँ। इनफैक्ट ये जो वीडियो बन रही है ये वन प्लस 6 के फोन पर है एंड मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ वन प्लस 6 से। मुझे थोड़ा प्रॉब्लम था वो ये कि जो इनके प्रीमियम फोन है, जो फ्लैगशिप फोन है, वो बहुत महंगे आते हैं, बहुत ज्यादा महंगे। इनफैक्ट आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं कि मुझे वन प्लस 8 Pro किस लिए पसंद नहीं है। मैं ये रिकमेंड किसको करूंगा, आप डे टू डे लाइफ में एक फोन चाहते हैं जो बेसिक वियर एंड टीयर सह सके, कि हाँ स्प्लैश रेजिस्टेंट होना चाहिए, डस्ट रेजिस्टेंट होना चाहिए। वन प्लस नॉर्ड है, इसके साथ कोई सर्टिफिकेशन नहीं आता बट कंपनी ने स्पेसिफाई किया है, तो आपको डे टू डे रूटीन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे बेहतरीन चीज जो होती है वन प्लस डिवाइसेज में वो ये कि इनका OS एड फ्री होता है और ज्यादा कोई ऐसा ब्लॉटवेयर जैसा कुछ आता नहीं है और स्मूथ होता है, स्टॉक एंड्रॉइड पे बेस्ड होता है, स्टॉक एंड्रॉइड जैसा ही लगता है। आपको बहुत यूजर फ्रेंडली लगेगा एक्सपीरियंस, लैग वगैरह का भी इशू नहीं होता और अपडेशन बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, बहुत टाइम पे आ जाती है क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड जैसा ही है, ज्यादा कोई कस्टमाइजेशन नहीं है। और जो थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन है वो एडवांटेज ही करती है, मजा ही आता है उनको यूज करने में। तो एक बहुत डिसेंट सा फोन है। प्लस इसकी एक और जो खास बात होती है, जो वन प्लस, इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो बीबीके के जो फोन, बीबीके वो कंपनी है जो ओप्पो, वीवो, रियलमी और वन प्लस बनाती है, उनके फोन के साथ आती है, वो ये कि इनके वूक चार्जर या फ्लैश चार्जर या सुपर वूक चार्जर आप जो भी कहो उनके साथ आते हैं। तो ये फोन का जो चार्जर है वो आपको 70% तक की बैटरी जो है वो 30 मिनट्स में ही चार्ज करके दे देता है। 5G का सपोर्ट है, यस मेरे हिसाब से 5G जो है वो आने में 1 साल से ऊपर लग जाएगा, उसके बाद हम देखते हैं, तब तक तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ ही जाएंगे। लेकिन 5G सपोर्ट्स के साथ आता है, एक बहुत अच्छे प्रोसेसर 765G के साथ आता है, अच्छी परफॉर्मेंस देता है। लेकिन यस जो फ्लैगशिप प्रोसेसर है 865 या 855 प्लस वगैरह, उतनी परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप पबजी जैसे कोई हाई एंड गेम खेल रहे हैं तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन डिसेंट चलेंगे वो। तो ये फोन जो है बहुत अच्छा है इस प्राइस पॉइंट पे, बट ये बेस्ट फोन नहीं है। अगर मुझे 25,000 to 30,000 का फोन लेना होगा तो कौन सा लूंगा, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि वन प्लस नॉर्ड वो लोग लें जो कि हाई एंड गेम नहीं खेलते या फिर जो फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। यस इन्होंने सेल्फी के लिए ड्यूल कैमरा दिया, यस ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, लेकिन फ्लैगशिप कैमरा नहीं है। आपको इनफैक्ट जो प्राइमरी कैमरा है वो आपको सेम 15,000 to 16,000 के रेंज के फोन में भी देखने के लिए मिल जाएगा, ऐसे कोई फ्लैगशिप कैमरा इन्होंने नहीं डाला है। बट ठीक है, कैमरा वगैरह जो है वो भी डिसेंट है एंड डे टू डे लाइफ में आपको अच्छी क्वालिटी वगैरह दे देते हैं। अगर आप टेक से भी हैं, टेक गीक पर्सन है मेरी तरह, और आप स्पेसिफिकेशन देखते हैं, चीजों को समझते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा रियलमी X3 सुपर जूम, जूम नहीं सुपर जूम। तो किस लिए, आप ऊपर लिंक में जाकर के देख सकते हैं, वो फोन मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज वो 28,000 में आपको 8 GB 128 GB का वेरियंट दे देता है। उसके साथ आपको उसमें 120 Hz का LCD पैनल मिलता है। आई विश कि उसमें AMOLED डिस्प्ले होता, बट 120 Hz का LCD पैनल जो है वो आपको और
अच्छी रिफ्रेश रेट मिल देता है, जिसकी वजह से गेम वगैरह जो है और स्मूथिंग हो जाते हैं। वन प्लस नॉट का 90 हर्ट्स कोई बुरा नहीं है, 120 हर्ट्स जो है वो उससे थोड़ा सा सुपीरियर है। देन आपको बैटरी लाइफ और चार्जिंग स्पीड सेम मिल जाती है, लेकिन जो सुपर जूम है, जिसकी वजह से हम उसको सुपर जूम कहते हैं, वो है 5x ऑप्टिकल। 64 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलता है प्राइमरी कैमरा, प्लस आपको 8 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिलता है जो कि मिलता है टेलीस्कोपिक लेंस के साथ, जो पेरिस्कोपिक लेंस है वो आपको 5x का ऑप्टिकल जूम दे देता है, एंड मल्टीप्लाई वगैरह करके आप डिजिटल जूम जो है वो 60x तक देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कैमरा बेटर मिलता है। उसके बाद X3 सुपर जूम कहाँ पे सुपीरियर है, वो है प्रोसेसिंग पावर। आपको नॉर्ड में मिलता है 765G और आपको 855 प्लस का प्रोसेसर मिलता है रियलमी X3 सुपर जूम में, प्लस उसमें आती है आपको लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट, जिसकी वजह से गेम जो है आपको 765 से ज्यादा बेटर मिलेंगे। हाई रिफ्रेश रेट के साथ आपको वो फोन मिलता है, बेटर प्रोसेसर के साथ आपको मिलता है, एंड लिक्विड कूलिंग के सपोर्ट के साथ मिलता है। तो जैसे मैंने कहा कि टेक सेवी पर्सन के लिए, जहां पे रियलमी UI की मैं बात करूं तो वो इनफैक्ट रियलमी भी नहीं कहूंगा, मैं ये समझता हूँ ओप्पो वीवो रियलमी, इनफैक्ट मैं MI के भी फोन्स को लूंगा ना, तो जो उनके इंटरफेस है ना वो ऐसे लगते हैं मानो कि एप्पल और एंड्रॉयड का मिक्स कर दिया उन्होंने, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। और वन प्लस का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि आप फोन उठाओ आपको बहुत सिंपल सा एक इंटरफेस मिलता है, बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। तो रियलमी जो इंटरफेस देता है वो वन प्लस का के बराबर का नहीं है, प्लस वन प्लस के कैमरे उतने अच्छे नहीं है, लेकिन वन प्लस का जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा बेटर है। रियलमी के कैमरे बहुत बेटर है, लेकिन जो उनका कैमरे का इंटरफेस है वो उतना अच्छा नहीं है। स्टिल कैमरा रियलमी X3 सुपर जूम का पावरफुल है, आपको इमेज स्टेबलाइजेशन उसमें भी मिल जाती है, इसमें भी मिल जाती है। वन प्लस नॉर्ड में आपको मिल जाता है 4K का फ्रंट कैमरा का सपोर्ट, जो आपको रियलमी में नहीं मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको उसमें भी ड्यूल कैमरा मिलते हैं, इनफैक्ट सेम ही कैमरा मिलते हैं, तो वहां पर आपको एडवांटेज है। और जो बैक कैमरा है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, नॉर्ड में 48 मेगापिक्सल है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट अगर दोनों में है तो आपको रियलमी X3 सुपर जूम में मिल जाता है 5x ऑप्टिकल जूम के साथ में, एक पेरिस्कोपिक लेंस भी जो आपको वन प्लस नॉर्ड में ही देता है। तो कैमरा रियलमी X3 सुपर जूम बेटर, प्रोसेसिंग पावर रियलमी X3 सुपर जूम बेटर, वन प्लस नॉर्ड कहाँ पे बेटर है, जो ऑल ओवर पैकेज है वो बहुत डिसेंट है, 25,000 to 30,000 रुपीज में आपको एक अच्छा फोन मिल जाता है। एंड वंस अगेन, जो टेक से भी पर्सन नहीं है, डे टू डे लाइफ में कोई फोन यूज करना चाहते हैं, 25,000 to 30,000 का बजट है, गो फॉर वन प्लस नॉट, बहुत अच्छा फोन है। टेक से भी पर्सन है मेरी तरह आपकी चॉइस है तो गो फॉर रियलमी X3 सुपर जूम। इनफैक्ट अगर मैं आपको कहूं कि आपको आज फोन लेना है, आपको सेप्टेम्बर तक नहीं वेट करना कि मैं वन प्लस नॉट का फोन जो उनका बेसिक फोन है वो सेप्टेम्बर में आएगा, आपको 2 महीने नहीं वेट करना, तो आप X3 सुपर जूम अभी जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसे जाकर के ले सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर X3 सुपर जूम लेना चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक कीजिए और वहीं से परचेस कीजिए। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि इससे बेटर कोई फोन है या आपको कोई फोन लेने में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आप लिंक उठा करके डाल दीजिए कि ये फोन है, ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि उससे बेटर कोई ऑप्शन है, इनफैक्ट उससे बेटर कोई प्राइस है, तो मैं आपको एक शॉर्ट लिंक दे दूंगा, एक एफिलिएटेड लिंक दे दूंगा, और अगर मुझे लगेगा कि मैं उनका कंपैरिजन के ऊपर एक वीडियो बना सकता हूं तो डेफिनेटली वो वीडियो भी लेकर के आऊंगा। एंड अगर आपका कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आप सभी के कमेंट की कोशिश करता हूं कि रिप्लाई करूं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली आपको मिलती रहेंगी। टेक केयर, बाय।